उसके बाद सबसे मेन चीज 1.5 का इंजन जो है वो स्वैप किया गया होंडा 250 के अलग अंदर। अलग ये मेरी सेवेंटी जान, के रिम है ये वाले, क्या प्राइस है इसकी? जो है ना वायरिंग की पावर बढ़ाने के लिए करंट, ये है बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त चीज है ये, लगा इस तरह चेन चलती है। ये भाई जान जापानी है, ये टैंकी भी माशाल्लाह ढक्कन हमने ये वाला लगाया था अभी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आपके लिए आज दोबारा से खुर्रम थिएटर्स पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आज की जो वैरायटी है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूज एक्सेसरीज के अंदर भी कुछ आपको दिखाएंगे और कुछ इसके अलावा न्यू एक्सेसरीज भी होंगे। तो मौजूद है जी खुर्रम भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है खुर्रम भाई, कैसे हैं? शुक्र है लगा, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। तो आज फिर क्या सुना रहे हैं हमारे कस्टमर्स को? आज माशाल्लाह 11 रबी अव्वल है, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह ईद मिलादुन नबी है, 12 रबी अव्वल है। तो इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल दिन वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो आज 12 रबी अव्वल है, यही हम कह देते हैं कि आपको वीडियो देखने को मिली है। नबी पाक के नाम से एक शेर है, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने उनको क्या खराज तहसीन पेश किया है नबी पाक को, कब्र की नींद से उठना आसान न था, हम तो माशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। ये कब्र में आप सरकार को आप सरकार कह रहे हैं, बिल्कुल तो ये लोग हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात की आपने। तो खुर्रम भाई क्या आज फिर बाइक से लेके आए हैं? यार ये 250 cc का इंजन लगाया है हमने 125 को। अच्छा, ये 125 है ऐसा, ये देख लें जी 125 में इतनी बड़ी मॉडिफिकेशन, बड़े टायर्स, उसके बाद सबसे मेन चीज 125 का इंजन जो है वो स्वैप किया गया होंडा 250 के अंदर। ये मेरी जान सलफ वाला लगाया है और बलालगंज से ला के मैंने खुद लगाया है, बड़ी मेहनत की है, 10 दिन पे इस पे हम कहते हैं ना पंजाबी पे खपे हैं। बिल्कुल है। और ये इसलिए देखो प्रेशर ही बहुत ज्यादा है, ठीक हो। और कस्टमर भाई भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें तंग नहीं किया और माशाल्लाह मुंह मांगे पैसे दिए उन्होंने, उनकी हम इज्जत कर दिया। ये देखे, अच्छा ये प्रेशर देखा है आपने, माशाल्लाह इतना हैवी है, और ये आसम भाई ने तैयार किया है, और ये टैंकी भी माशाल्लाह ढक्कन हमने ये वाला लगाया था अभी पियाजियो का, और माशाल्लाह इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, हाथ भी अपने जख्मी किए हैं, और इसने काटे भी थोड़ा सा ना, ये देखें कान फट गए अपने हमारे, ये देखें सही प्रेशर देखो कितना है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी हमने खुद तैयार की है, ये कोई दिखावा नहीं हम कर रहे, ये रिम हमने टिलेस के लगाए हैं, टैंकी भी मैं बलालगंज से लाया हूँ, ये अल्लाह रहम करे कोई मैंने नई 0 मीटर चीजें नहीं ली, ये टायर हमने नए दिए हैं, ये डिलेस के रिम दिए हैं, ये 100 90 18 चुमटा मैंने ना रजा भाई पहले बड़ा लगाया था, कस्टमर ने कहा पैसों की आप टेंशन नहीं लेनी, ये जाया कर दो। अच्छा ये हमने बेचने के लिए रख दिया है, अगर कोई कस्टमर पसंद आएगा तो मैं मुनासिब जापानी है, पट्टा भी लगा इसके बाद चेन चलती है। ये भाई जान जापानी है, ये आपने यार मैं दे दूंगा 6000 में, ठीक है यार ये स्पोर्ट्स बाइक है, कोई आम चिमटा नहीं है, ये यूनिवर्सल है, 70 में नहीं 125 में लग जाएगा। ये बड़ा वजनी चिमटा है, ये आपने ट्रेल बनाना है 125 को लगाना है, आपकी सरदर्द है, मगर ये मैं इसको दिखा रहा हूँ वेट भी बहुत अच्छा है, अच्छा है वेट और अच्छी चीज है, ये देख ले ठीक है जबरदस्त। ये आपने कॉल करनी है, मैं ऐसे की ऐसी ही भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी जबरदस्त। अच्छा इसको ना हमने मीटर ये लगाया रजा, ये देखे ठीक है जी, ये देखें जी डिजिटल मीटर। हाँ जी, और ये ऐनक मैंने कोई बात गोलमोल नहीं करनी, ये डिलक्स का पूरा फ्रंट लगाया है, सही हो गया डिलक्स का, सही। इसके देखो शाख ऐसे हैं, आप खुद चला लो चाहे टेस्ट कर लो, इंशाल्लाह तो आप अच्छे ही की आवाज हो भाई। वैसे कोई अगर आपके पास बाइक लेके आना चाह रहा है कितना खर्चा था यार? ये देखना चुमटा और ये मुझे चेसी दे दे, सही है, ये चीजें लगानी है कम से कम यार, ये दो लाख का गया था। सही मतलब कि एक 125 आप 250 cc में कन्वर्ट करवा सकते यार। हाँ क्योंकि इसकी ना ये देखो इंजन ही जापानी है, 250 cc इंजन है, ये चाइना का 70,000 रुपए जो बलालगंज में दिखाते हैं आपको पता है, बिल्कुल फिर मेरे मुंह से नाम भी निकले दुकानों के, देखो नाम नाम नहीं मैं लेना चाहता, मगर अच्छी बात है कि होंडा का बाइक है, होंडा CG125, तो उसके अंदर इंजन भी होंडा का रखा गया, तो ये पूरा जेन्युइन काम यार, कस्टमर ने मुझे बड़ी तारीफ की है मेरी, ये देखो ये कोई दिखाएगा आपको, ये शाख देख रजा देख, ये देख वाह जी वाह, ये देख ये मेरे मैंने काम है, ये देखो वर्किंग? ये पिछले देख रजा, ये देख इसको स्टैंड करके जरा ऊंचा किया है, बिल्कुल पहले बहुत फिट आया था चुमटा, पर ये छोटा लगाया हमने तो इसकी वजह से ना हमें ये छोटे टायर लगाने पड़े, ठीक हो गए ठीक है खुर्रम भाई। आज फिर इधर कहा क्या वैरायटी आज रखी यार? मैंने अपने रिम ही शो करता हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे रिमो को ही ऑर्डर, पहले सबसे ज्यादा ऑर्डर आपको पता है मैं ही भेजता हूँ, तो हसबे रिवायत मैं अपने ये दोस्तों को ये 70 के रिम दिखाना चाहता हूँ,
कि ये मेरे से ऑर्डर दे मुझे, और पाकिस्तान का कोई भी शहर है, अभी भी एक पेमेंट आ रही है बाहर से, तुर्की से, तुर्की से आपको अभी आपके सामने फोन आया, मेरे सामने फोन आया, कलर कहाँ से पेमेंट आ रही है, अभी 10-15 मिनट तक आ जाएगी ब्लैक स्टार में। कस्टमर ये ना समझा करेगा तुर्की सामान भेजने लगे होते, वो लाहौर में है, पेमेंट तो तुर्की से आनी है ना, पेमेंट तुर्की से आती है, वो पेमेंट आने का कोई हिसाब हो रहा है बैंक का? तो ये इंशाल्लाह ताला 70 के रिम है ये वाले। क्या प्राइस है इसकी? ये आपको पता मेरे टिकटॉक पे भी बड़े अच्छे चल रहे हैं व्यूज, आपको भी पता लग रहा है, 9 लाख 10-10 बंदे माशाल्लाह देते हैं, इज्जत देते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, हमारी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो ये मेरी जान 17,500 के रिम मिलेंगे, जो सा मर्जी डिजाइन के, ये आपको गारंटी है कि गलत चीज नहीं भेजेंगे, टूटे नहीं भेजेंगे, टेढ़े नहीं भेजेंगे, ना यूज भेजेंगे, बिल्कुल 0 मीटर डब्बा पैक होगा, जबरदस्त होगा। 17,500 का आपको लाहौर आना पड़ेगा, अगर लाहौर नहीं आ सकते मुझ पे इतबार करें, पेमेंट भेजें, इंशाल्लाह ताला आपकी पेमेंट कोई बेईमानी कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये SC का सिलेंसर है 0 मीटर, पिछली वीडियो में सेकंड हैंड दिखाया था वो बिक गया, और ये 0 मीटर SC जिसमें YBR को सूटेबल करेगा, और 125 को जिसने कैफे रेस लगाना है ये मेरे कहने पे ले, बिल्कुल बेसला होगा, जबरदस्त, ये शोर वाले नहीं है, ठीक हो गया। ये कितने का दे रहे हैं? मेड इन चाइना, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं है ये, 7,000 रुपए का 0 मीटर SC प्रोजेक्ट है, और SC बिग इसको बोलते हैं, ठीक है, ये देख लें SC बिग है और बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक हो गया। जिसके बाद जी ये अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा मीटर, दोबारा से डिजिटल मीटर आप लोग के लिए ले आए हैं, काफी पुरानी वीडियो कस्टमर मुझे सेंड करते रहते हैं, मैंने कहते हैं वीडियो पुरानी होगी, न्यू वीडियो जाके देखिए, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त चीज है, ये देख ले, ये कितने का? ये 4 पीस में पड़े FZ इसको बोलते थे हम, ये डॉल्फिन मीटर भी बोलते हैं, कितने का? ये 8,500 रुपए का मिलेगा। अच्छा जी, सेंसर वाला है ये, इसमें सेंसर भी है, चला के भी, इसको चला के भी दिखाएंगे आपको, और इसका व्यू भी देंगे, जो सा भी पसंद होगा, ये वाला लेना है, डॉल्फिन लेना होगा, बॉडी लगी हुई इसके आगे, ये जो भी आपकी चॉइस है भेजना, काम मेरा है, ये 1000 में भी लगा हुआ होता है, ये एक ये भी होता है, और एक ये बड़ा, और ये डॉल्फिन वाला है, ये ब्लैक कलर में है, इसकी भी आपको ना चला के दिखाती है। ये कितने का? ये मिलेगा आपको 7,500 रुपए का विद सेंसर के साथ, ठीक है, पुराने रेट है जो पहले रेट होते थे, इसमें कोई रेट नहीं, और इसके अलावा ये जो बाइक में लगा हुआ है ये वो वाला ही है, ये आपको दे दूंगा 48,500 रुपए का, मगर आपको 200 रुपया कम कर देंगे, 5,000 रुपए का 0 मीटर है, पर ये केबल वाला है, हाँ केबल के साथ चलता है, डिजिटल भी है केबल भी, ये सेंसर वाला नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो पड़ा हुआ आपके पास है, ये बड़ा जो है ना फिल्टर आल्ट्रेशन वाला, ये हमने इस बाइक को लगाया है, अगर आपने इसको लगाना नहीं है YBR को टप्पा काट के लगा सकते हैं, ये आपकी आपकी वो, और कितने का दे देंगे? और ये मिलेगा 1400 रुपए का, ठीक हो गया, चाइना का, हाँ, सबसे बड़ा लार्ज से अच्छा हो जाएगा बाइक, और यार ये बैटरी में हर आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और माशाल्लाह मेरी आज 2 बिकी भी आपके सामने बिकते बिकी बिकी है, बिल्कुल जेल वाली, ये 0 मीटर 70 125 के लिए ये लगाएं, और पावर अपने जो है ना वायरिंग की पावर बढ़ाने के लिए करंट ये हैवी देती है, 5 ताकत रखती है, 5 एम्पीयर, ठीक है। और ये कितने की दे देंगे? ये 0 मीटर की है, 2000 रुपए की है, ठीक होगी जी, 2000 रुपए की आपको मिल जाएगी HG वालों, ये 0 मीटर है, और है भी जेल वाली, फ्रेश माल है, अभी इसकी वारंटी वगैरह तो मेरे ख्याल कोई नहीं होती, यार वारंटी नहीं होती, मगर ये जाती भी नहीं है, मैंने इधर सैकड़ों के हिसाब से बेचे, मुझे नहीं लगता कस्टमर का अभी तक कंप्लेन नहीं आई, मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरा गिरे बयान पकड़ा है, हाँ कोई वायरिंग में तंगी है, उसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अच्छा ये कैफे रेसर की मुट्ठी इसको लगाई है ना, जो जो मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, ये लगाए कैफे रेसर के लिए, जो हफ्ते को हमने एक कैफे रेसर का प्रोजेक्ट किया, पर आप आए नहीं, तो इंशाल्लाह ताला ये कैफे रेसर 450 की, ये भी दस्ती है, इसको कहते हैं अच्छी वाली है, सॉफ्ट वाली है, वो चाइना की है, पाकिस्तान में बनना शुरू होगी हार्ड हो, वो 300 की है, वो मोहत भी ना लेना, बिल्कुल मुझसे भी ना लेना, किसी से भी ना लेना, बिल्कुल ऐसे। ये 70 का पैनल, 125 ये 125 का पैनल है, 70 का लगाएं, वाटर प्रूफ है, इंशाल्लाह तो लाइट भी तेज है, आगे फोग आ रही है, TR मोटर वालों का, ये चाइना का ब्रांड है, ठीक है जी। ये कितने का दे देंगे? 2200 रुपए का आपको दे दूंगा, और इसमें 2000 1800 भी आई है, लोकल फर्क है बिल्कुल, मगर हम वो नहीं बेचते, उनका फोकस ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी, ठीक हो गया। तो खुर्रम भाई चीजें अगर पूरी हो गई तो कस्टमर को बता दे लोकेशन क्या शॉप जी। जी यार मेरी शॉप नंबर 6 है, मकलोर रोड, दुकान है लाहौर में, इसके अलावा हमारी कहीं दुकान नहीं है, आप हमारा टिकटॉक चैनल भी देखें, फेसबुक भी देखें, इंस्टाग्राम भी देखें, यूट्यूब चैनल देखें, हमारा जाती है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई शक्ल बना के आपसे रजा या मैं कोई बनोटी काम नहीं करेंगे, आपकी मानत आपके घर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो खुर्रम भाई कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें, 0321
4551976 है। रजा ब्लॉग का चैनल गौर से देखें, सारी चीजों को देखें, सबको देखें, जहां आपका दिल माने उसको पैसे भेजें, खुद आ जाएं, वेलकम, ना आए आउट ऑफ कंट्री में या पेमेंट भेजें आपके इलाके में, मेरा पहुंचाने का काम ठीक हो गया। तो फ्रेंड वीडियो आपने देखी, वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक कर देगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर कुछ न्यू डेकोरेशन एक्सेसरीज आ रही है, उनका भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।